अच्छा। और हम इसे जो है मछली मारेंगे अभी। हमारे खेत के बगल में एक नहर है, जो नहर का पानी पोखरी में आता है, वहाँ से जो है मछलियाँ नहर में जा रही हैं, तो हम अभी इसी से मछली मारेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि इससे मछली कैसे मारते हैं। इस वाले गड्ढे में मछली जाएंगी और यहाँ पे जो हमने तरछा बनाया है, इस नाली में लगाएंगे तरछा, और जो मछली है इस नहर में से मछली इस रास्ते जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पतला सा रास्ता, इस रास्ते आके तरछे के किनारे से मछली जो है गड्ढे में कूदेंगी। चलिए हम आपको बनाते हुए दिखाते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो हमारा तरछा है अब वो लगने के लिए जा रहा है नाली में। आप देख सकते हैं देसी तरीके में तरछा ऐसे ही लगाया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको दूसरी साइड से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, दूसरी साइड से कुछ इस तरीके का तरछा दिख रहा है। आप वहाँ पे कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे बहुत थोड़ी जगह छोड़ी गई है और वहीं से मछलियाँ जो है कूद के वो गड्ढे में जाएंगी। तो दोस्तों, देख रहे हैं कैसे मिट्टी को जो है नीचे की साइड की जो मिट्टी से चिकना किया जा रहा है। अगर वो चिकना नहीं रहेगा, खुरदरा रहेगा, तो मछली जो है जाके उसी मिट्टी के पास में वो रुक जाएगी और वहाँ से उसके जो है भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वो जो मिट्टी है उसे चिकना किया जा रहा है, ताकि मछली अगर जाए वहाँ से तो सीधा गड्ढे में अंदर चली जाए और वहाँ से भाग नहीं पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पानी खोल दिया गया है, और पानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे करके जा रहा है। जब पानी नहर की तरफ जाएगा तो जो नहर की मछली है वो पानी के सहारे उसके ऊपर चढ़ते हुए पानी के आएंगे और गड्ढे में जाके गिरेंगे मछलियाँ सीधा, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह नहीं है, उस साइड जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो सीधा मछली जाके गड्ढे में गिरेगी।